हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज काफ़ी दिनों के बाद ऐसे मुलाकात हो रही है हमारी, क्योंकि अभी तक तो क्या है, अभी तक हमारा राजस्थान का ट्रिप चल रहा था, उसकी वीडियो अपलोड हो रही थी। तो आप भाई लोगों ने सबने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी दिखाया उस पर, और काफ़ी अच्छे व्यूज़, काफ़ी अच्छे कमेंट, काफ़ी अच्छे सजेशन आप सब ने दिए। तो उसके लिए मैं सबको आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ऐसे मेरी वीडियो देखते रहें और आपके सजेशन, आपके लाइक्स, कमेंट करते रहें मेरी वीडियो पर, जिससे कि मेरे को भी मन मिले और जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो आज के जो मेन हॉट पॉइंट है कि मैंने अपाची आरआर 162V क्यों खरीदी। तो मेरे को दो तीन चार कमेंट आए थे, ज़्यादा कमेंट तो नहीं आए थे, कि उन्होंने पूछा कि आप और किसी जो बाइक्स हैं और जो सेगमेंट है, क्योंकि क्या है, ये जो है ना, ये जो लुक है ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है, यानी कि 5-6 साल से ये लुक आ रहा है बाइक का, 2V में जो वेरिएंट है। तो अब इसके काफ़ी और भी वेरिएंट आ गए, जैसे 4V आ चुका है, इसके कंपटीशन में और भी काफ़ी अच्छी बाइक है, जैसे बजाज ने भी काफ़ी अच्छी बाइक निकाल दी है अपनी, पल्सर हो गई, NS हो गई, FS हो गई, जो 250 सीरीज़ में आई है। तो वो भी एक पॉइंट था कि मैंने इसकी तरफ क्यों गया, बाइक है वो क्यों नहीं परचेज़ करी। तो उस वीडियो के, तो ये वीडियो उसके बारे में होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बाइक के बारे में बता देता हूँ कि बाइक में क्या क्या है। तो आपको सामने से लाइट मिलती है जो कि हैलोजन लाइट्स है, इंडिकेटर भी हैलोजन है, सब इंडो, यानी कि जो पहले वाली जो BS4 आती थी बिल्कुल सेम उसी की तरह है। देखो क्या है, आप इसका वो देखोगे ना डिज़ाइन तो देखो, ये ओल्ड डिज़ाइन तो आप कह सकते हो, पर ये कभी भी है ना, आप समझ रहे हो, तो ये कभी भी फीका नहीं पड़ सकता। आप ऐसा नहीं है कि ये कभी भी बुरा लगे, एक डिसेंट, एक अच्छा और एक प्रीमियम जो मज़ा देता है ना, तो ये डिज़ाइन तो बाइक का काफ़ी सुंदर है। जैसे कि आप देख रहे हैं आगे से लो है, पीछे से सीट अच्छे है, यानी कि एक स्पोर्टी लुक देता है बाइक को। और सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो ये है, तो ये अब BS6 हो गई है, तो इसमें किक भी नहीं है आपकी, और ये FI इंजन हो गया है अब। तो अगर जो आपने मेरी BS4 वाली जो वीडियो है, जो मैंने ब्लू कलर की अपाची की वीडियो बनाई थी, अगर जो वो नहीं देखें तो आप आई कार्ड में लिंक आओगे उसे देखें। तो उससे अगर जो मैं कंपेयर करूँ तो जो इसका इंजन है वो मैं कहना चाहूँगा कि 5 to 10 times रिफाइंड है इंजन, और स्मूथ है, वाइब्रेशन कम है बाइक में अब, और यानी कि जो हमिंग नॉइज या फिर जो रोर करता था ना वो ज़्यादा वो नहीं है, आप डिसेंट है। अगर जो आप इसे 3-4 हज़ार RPM पर चलाएँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाइक का इंजन चल भी रहा है नहीं, 70-60 आराम से क्रूज करती हुई जाती है। और जितनी भी आप सारी चीज़ देख रहे हैं ना, ये सब वही बाइक में है जो पहले BS4 आती थी, बाइक में कुछ चेंज नहीं है। तो ये जो वेरिएंट है ना, ये डुअल डिस्क में है, तो डुअल डिस्क से क्या होता है, आपकी जो सेफ्टी पर्पज़ होते हैं ना, ब्रेकिंग सेफ्टी पर्पज़, वो अच्छे हो जाते हैं। ABS सिंगल चैनल ABS मिलता है बाइक में आपको, ब्रेकिंग भी डिसेंट है, यानी कि 160cc के लिए जो ब्रेक होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी है बाइक की। अब मेन बात आती है कि मैंने ये परचेस क्यों करी। तो देखो मैंने काफ़ी रिव्यू पढ़े, काफ़ी और भी बाइक थी, जैसे कि पल्सर हो गई, और जैसे कि बुलेट हो गई, यानी कि रॉयल एनफील्ड बुलेट हो गई, क्लासिक हो गई, काफ़ी वेरिएंट हैं, काफ़ी वो हैं। सबसे मेन मुद्दा ये था कि और कोई क्यों नहीं। तो देखो पहली बात तो ये है कि जिस प्राइस सेगमेंट में ये आती हैं, उस साइड प्राइस सेगमेंट में और भी काफ़ी बाइक हैं, जैसे कि बजाज ने अभी बाइक निकाली है, वो भी इस प्राइस सेगमेंट में आती हैं, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर डिफरेंस होएगा 10-15 हज़ार रुपये का। तो अब क्या है, जब से BS6 आई है तो 160cc की पावर भी अच्छी है बाइक में, और TVS के साथ है ना, कुछ पहले से ही, जैसे हम TVS ऑन करते हैं तो उसके साथ एक पहले से हम रिलेट कर पाते हैं बाइक के साथ में,
और क्या कहना चाहूँगा कि एवरेज एवरेज की बात करें तो एवरेज भी बाइक अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है तब भी आपको 40-45 का एवरेज आराम से दे रही है बाइक बिना किसी दिक्कत के। एक बात ये भी है, जैसे और भी काफ़ी अच्छे यानी कि इससे अच्छे अच्छे वो हैं ऑप्शन, जैसे कि यसडी है, यसडी अब नहीं आई है, जावा हो गई, रॉयल एनफील्ड हो गई। तो बुलेट तो मैंने देखो इस वजह से नहीं ली क्योंकि हर दूसरे तीसरे पे अब बुलेट है और वो इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि वो मेरे हिसाब से मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे को थोड़ी सी स्पोर्ट्स बाइक जब तक उसे थोड़ा सा भगाओ नहीं, देखो है तो 160 सीसी की पर ये थोड़ा सा मज़ा देती है, जब टोटल हम खोलते हैं ना इसका तो ऐसा नहीं लगता कि यार कोई जोर यानी कि दम लग रहा है बाइक को भागने में या दिक्कत हो रही है उसे, एकदम प्यारे तरीके से भग जाती है। अभी तक तो खैर मैंने इसे ज़्यादा भगाया नहीं है क्योंकि फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, पर ओवरऑल मेरा बाइक के साथ जो मेरी पहली वाली भी थी 4.2V वो भी काफ़ी अच्छी है और इसके साथ भी मैं अभी से लगभग दिखा देता हूँ आपको, तो लगभग ये मैंने 370 किलोमीटर चला दिए। 370 किलोमीटर का मैं एक्सपीरियंस करूँ तो ना ही मुझे कोई दिक्कत आई ना ही कुछ आई। प्राइस रेंज की मैं आपको बताऊँ तो प्राइस रेंज ये 140 तक या 142 तक आपको मिल सकता है, वो यानी कि टैक्स वैक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं भाई इस वजह से। पर हाँ ये है कि जो इसके 4V वेरियंट आता तो 4V वेरियंट हर किसी पर नहीं सूट करता और इतना परफेक्ट इतना अच्छा भी नहीं लगता है वो मुझे, खासकर स्पेशली ये हर बंदों का अपना अपना वो हो सकता है कि उन्हें पसंद है या नहीं पसंद है। पर इसके जो डिज़ाइन है ओवरऑल, हाँ बस ये कह सकते हैं कि इसमें ये नेगेटिव पॉइंट है जैसे कि इसमें BS6 में वाइट लाइट नहीं है, साइड के जो इंडिकेटर हैं वो भी सब हैलोजन है, ये जो मीटर है मीटर भी चेंज हो सकता था, मीटर भी चेंज नहीं है। पर ये जो रॉ फील है ना RPM की जो रेंज यहाँ से जाती है, पेट्रोल ये सब चीज़ जो इसमें दिखाता है ये भी काफ़ी अच्छी, बस ये हैं इसमें ये सब चीज़ एक्स्ट्रा आ गई हैं और सब सेम है बिल्कुल। बिल्ड क्वालिटी बाइक की थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी बेटर हो सकती है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़े से गैप हैं बाइक में, वैसे ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी कोई यार इसे यानी कि अभी भी क्या मस्त बाइक है, अब भी कोई जो बंदा सोच रहा हो कि इसके लुक से यानी कि पुरानी हो गई है, लुक से वैसी आ रही है जब तक, पर भाई अभी भी पूरा मज़ा देती है। आपको मैं एक एग्जांपल देके बताऊँ तो वोल्सवैगन पोलो 2012 से 2020 तक अभी भी बिल्कुल सेम कंपनी वैसी की वैसी बनाती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस कर देती है, शायद अब नहीं आ रही है वो बढ़िया, पर अभी तक भी वो बिक रही है क्योंकि जिन बंदों को पता है ना उसके बारे में उस गाड़ी के बारे में वो बंदे उसे ही परचेज करेंगे चाहे भले ही वो कैसी भी हो, बिल्कुल सेम नहीं हो। जिन बंदों को जिन भाइयों ने ये बाइक चला रखी है वो भाई अभी भी ही इसे ही परचेज करने की सलाह देंगे क्योंकि हर चीज़ में आप देखें तो कम्फर्ट के मामले में बात करूँ कम्फर्ट में भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि आप 100 किलोमीटर तक आप आराम से चला सकते हैं, कहीं दर्द वर्द नहीं होता, बस ये है कि आपके एल्बो में थोड़ा सा डाउन है तो इस वजह से आपके दर्द हो सकता है, वरना ओवरऑल गजब बाइक है। सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं बाइक के, यानी कि डबल सस्पेंशन है, एक इधर सस्पेंशन है, ये तो मुझे पता नहीं क्या कहते हैं पर एक इधर सस्पेंशन है एक इधर सस्पेंशन है, तो ये भी काफ़ी एक चीज़ है। अभी बाइक का नंबर नहीं आया है, ये आपका पीछे वाला डिस्क ब्रेक है, ये यहाँ पे इसका कहीं फ्लूड है यहाँ पे, तो अगर जो मैं आपको बाइक का थोड़ी सी आवाज़ सुनाऊँ ना कि पहले बाइक की आवाज़ कैसी थी अब कैसी है तो आप देखना। तो मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, देख रहे हो बाइक स्टार्ट हो चुकी है और फिर भी ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रही है क्योंकि अभी गर्म भी नहीं है 1000 RPM पे। तो अब मैं इसे रैप करके सुनाऊँ ना आपको, तो अभी बाइक जो है वो काफ़ी रिफाइंड है। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी बाइक की ज़्यादातर शोर नहीं आ रहा होगा क्योंकि बाइक काफ़ी ही रिफाइंड हो चुकी है। आप जैसे देख रहे हैं तो ये सब भी अब सिर्फ ये सेल्फ स्टार्ट आती है, जैसे पहले 180 आती थी सिर्फ सेल्फ स्टार्ट। तो ये थे मेरे पूरे पॉइंट ऑफ व्यू कि मैंने ये बाइक क्यों परचेज करी, मैं किसी और के साथ क्यों नहीं गया, काफ़ी अच्छे और भी वो थे जो कि मैंने आपको भी बताया, एग्जाम्पल भी देके बताया। तो ये पूरा ओवरऑल फील था मेरे बारे में कि मैं इसके साथ ही क्यों गया। अगर जो आपको डिटेल रिव्यू चाहिए हो कि बाइक में क्या क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन है, हर चीज़ है, तो प्लीज़